हेलो जनवास, तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है पीनट बटर। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैं किस चीज का पीनट बटर यूज करता हूं। ये फन फूड्स का पीनट बटर है जो मैं यूज करता हूं, और मैं इसका आपको बेनिफिट और क्या कहते हैं नुकसान दोनों बताना चाहूंगा। तो पहले मैं इसके बेनिफिट्स की बात कर लेता हूँ। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो उनके लिए काफी बढ़िया है। मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो हमें एनर्जी कैल्शियम मिलती है जिसे हम कार्ब्स कहते हैं, वो इसके मिलते हैं 641 100 ग्राम पर पैक, है ना। और प्रोटीन भी 226.3 मिलता है। और फैट, अब आप सोच रहे होंगे फैट, तो फैट दो तरह का होता है भाई, एक गुड फैट एक बैड फैट। तो इसमें हमें गुड फैट मिलता है जो 51.0 है गुड फैट, और सबसे बड़ा जो हमारे बोन्स के लिए काम आता है वो है आयरन। आयरन इसमें हमें काफी मात्रा में सही मिल जाता है, तो वो भी हमारे क्या कहते हैं वेट गेन करने के लिए काम आता है। और अब मैं बताता हूँ आपको कि वेट अगर लॉस करना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसको दिन में 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं आप पीनट बटर को। और क्या कहते हैं इसके अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं। इसमें डलते हैं रोस्टेड पीनट जो कि 91% होता है, और इसमें विटामिन हमको ई B3 B6 विटामिन हमको मिल जाता है, और सोडियम, और टोटल फैट इसमें 10.5% होता है। और क्या कहते हैं इसमें आपको आयरन मिलता है काफी बढ़िया मात्रा में, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीनट बटर कैसा है। मैं आपको देखो, अभी ये मैंने नया बॉक्स मंगाया है तो मैं आपको दिखा दूं पीनट बटर कैसा है। तो ये देखिए, इसमें पीनट बटर कुछ इस तरीके का होता है। तो और क्या कहते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा इसको डॉक्टर ओटकर जो कंपनी होती है इसको हमें देती है, क्या कहते हैं सेल करती है हमको। एंड क्या कहते हैं इसके अंदर शुगर लेवल हमारा 7.5 होता है, और कार्बोहाइड्रेट 9.5 होता है। एंड इसको ना जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा काफी सारे हार्ट पेशेंट होते हैं, उनके लिए काफी बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो ना थोड़ा धीरे धीरे पंप करता है, या फिर हार्ट सूजन होते हैं, तो उसको ना ये लोग ये जो पीनट होता है वो पीनट बटर जो होता है वो काफी उसके लिए यूजफुल होता है। डॉक्टर भी इसको सलाह करते हैं कि आप पीनट बटर यूज करें क्योंकि हार्ट लेवल के लिए, तो ये पीनट बटर भी काफी बढ़िया होता है। और जो जिम वाले लड़के होते हैं वो भी पीनट बटर यूज करें, क्योंकि मैं अपने बताता हूँ मैं पीनट बटर कब लेता हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बहुत से बंदों को डाउट होता है कि पीनट बटर आप हमें कब लेना चाहिए, ये तो पता होता था पीनट बटर लेना चाहिए, बट ये बहुत सबको नहीं पता था कब लेना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वेट गेन करना है तो पीनट बटर आप 5 से 6 बार लेनी चाहिए दिन में, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं पीनट बटर अपना लेता हूँ सुबह दलिए के साथ, तो मैं पीनट बटर अपना सुबह दलिए के साथ लेता हूँ, और साथ में क्या कहते हैं दिन में भी ले लेता हूँ 1-2 स्पून वैसे ही नॉर्मली, और शाम को जब मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ तो 4 ब्रेड के साथ मैं अपना पीनट बटर ले लेता हूँ। जो भाई मेरा ब्रेड नहीं खाता, जैसे किसी को ब्रेड अच्छा नहीं लगता, तो वो ना 2 चपाती पे पीनट बटर लगा कर वैसे भी ले सकता है, और प्लेन भी ले सकता है पीनट बटर, मतलब 1 स्पून लेके अपने जिम जाने चालू कर सकता है। एंड आज की वीडियो में यही था, तो अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा जल्दी। एंड अगली और इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, या फिर भाई कैसे कैसे लेना है, क्या करना है क्या नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और आप इसको मैं रेट भी बता देता हूँ, मैंने इसको 270 का परचेस किया जो कि काफ़ी चीप है, सस्ता है, नहीं तो बाकी आप देखोगे 300-500 तक का पीनट बटर आता है। और मैं यही बताना चाहूँगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जिस भाई को चाहिए वो वहाँ से परचेस कर सकता है।